दोस्तों, जिस मुल्क का आधार सिर्फ एक धर्म पर टिका हो, उस मुल्क में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों का होना ही गुनाह होता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बन चुका है अब हिंदुओं के लिए नर्गिस्तान। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दुर्दशा से वाकिफ कराने वाले हैं। जिस दिन से जमीन पर लकीर खींच कर मुल्क बना, उस दिन के बाद से लोग अपने रंग के हिसाब से मुल्क चुनने लगे और खून की नदियों को पार करके अपने जमीन की तलाश करने लगे। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि शायद आप नहीं जानते कि पाकिस्तान के झंडे में जो सफेद रंग है वो पाकिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिमों यानी हिंदू ईसाइयों आदि को दर्शाता है। कुछ लोग कहीं नहीं जा सके क्योंकि वो जहां रहते थे उसे ही अपना घर अपना देश मानने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब वो पराए हो गए हैं, उनके मुल्क का बंटवारा हो चुका है और देखते ही देखते अपने घर परिवार में बेगाने हो गए हैं। हमेशा वक्त के आगे उनकी चीख दब के रह गई, उनकी मांग पैरों तले कुचल दी गई, उनकी जिंदगी हर दिन खतरे से घिरती जा रही है। और वहीं से कुछ लोग भाग कर हिंदुस्तान आए जो फिर से उस नर्गिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू महफूज नहीं है। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान को आजादी मिली, उसके बाद 44 लाख हिंदुओं और सिखों ने भारत की ओर चल दिया, जबकि भारत से 4.1 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान को चुन वहां जाने का फैसला किया। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1.6% थी, जबकि पूर्व पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है वहां पर हिंदुओं की संख्या 22% थी। फिर वही 43 साल बाद जब जनसंख्या की गणना हुई तो पश्चिमी पाकिस्तान में 1.5 लाख लोग पाए गए और वहीं पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 22 से घटकर 10% रह गई। लेकिन आज इस वीडियो में पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की बात कर रहे हैं हम, इसलिए बांग्लादेश के बारे में बाद में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि पाकिस्तान में अब भी उतने हिंदू बचे हैं जितने पहले थे? आपके मन में भी एक सवाल उठा होगा कि ये कैसे हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अधिकतर हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं। कुछ महिलाओं ने अपना अनुभव बताया कि पाकिस्तानी स्कूलों में हिंदू लड़कियों का यौन उत्पीड़न होता है। उनका कहना है कि हिंदू छात्रों को कुरान पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है और उनके धार्मिक प्रथाओं का उपहास किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नहीं कर सकता। 8% हिंदू को अपने परिजनों के शव को कब्रिस्तान में दफन करना पड़ता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है गरीबी, क्योंकि अंतिम संस्कार में ज्यादा खर्चा आता है। कह सकते हैं कि करीबन 8,000 तक का खर्चा आता है जो कि ज्यादातर हिंदू नहीं जुटा पाते और मजबूरन उन्हें शव को दफनाना ही पड़ता है। पाकिस्तान के संविधान में ये कहा गया है कि अल्पसंख्या के अधिकारों पर सरकार को हिफाजत करनी पड़ेगी और उन्हें नौकरियां देनी पड़ेगी, लेकिन ये सब बातें सिर्फ कागजों में सीमित है और कागजों में ही दफन हो जाती हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत काफी चिंताजनक बनती जा रही है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि वहां के हिंदुओं को जबरदस्ती देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी कारण पाकिस्तान से आ रहे भारत हिंदुओं की संख्या में भारी उछाल आया है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम जल्द ही आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।